इसको कहेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। माइनस डीएक्स बाई डीवाई अब ये बोल रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर द नॉर्मल टू द कर्व फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व इस कर्व पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है वेयर द नॉर्मल टू द कर्व फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस पेपर है ना भी कर्म है नॉर्मल टू द कर्व में एक इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये वाली लाइन अगर ए है अगर ये वाली लाइन ए है तो जो ये वाली लाइन है ये भी ए होगी tan 45 कैसे क्योंकि ए और ए दोनों ये कौन के इक्वल्स हो अगर मान लो हम स्लोप निकालेंगे ना तो स्लोप में एक ये वाला एंगल लेंगे ये वाला ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा अगर मान लीजिए ये वाला एंगल 135 डिग्री होता है अच्छा और यहाँ पर ये कह रहा है कि वेयर द स्लोप तो इस पॉइंट मतलब यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब जो कर्व है उस पर मुझे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है हमेशा जो स्लोप लिया जाता है वो स्लोप हमेशा ये वाला एंगल लेते हैं जो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं ठीक है बाकी टेन 135 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर मैं तो ये देख रहा हूँ फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व मतलब नॉर्मल टू द कर्व ये मान लो ये कर्व है कर्व हमें ये रखा है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब मुझे ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा अब ये जो कर्व है ना इस कर्व की और ये जो लाइन है गिवन दैट नॉर्मल टू द कर्व इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस लेट इट बी ए लेट इट बी स्मॉल ए और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे ए कॉमा जीरो और इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0.8 a, 0 और 0.8 ये दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तो मैं ये कहूंगा कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इसको इस तरह से निकालेंगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सोच लीजिए कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा a माइनस 0 a माइनस 0 और x2 माइनस x1 हो जाएगा 0 माइनस a तो ये मेरे पास आ गया a अपॉन माइनस a यानी कि माइनस 1 तो नॉर्मल का स्लोप माइनस 1 आ गया और नॉर्मल का स्लोप माइनस dx बाई dy होता है जो मैं निकाल चुका हूँ माइनस 6y अपॉन x2 तो इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए 2 यहाँ से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकला यहाँ से भी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकला तो हम कहेंगे इक्वेटिंग 1 एंड 2
दोनों को इक्वेट कर देंगे तो माइनस सिक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, यहां से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर आ गया सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या y is equal to x square upon 6, y is equal to x square upon 6. अच्छा, तो y is equal to x square upon 6 जो है, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे ना कि कोई भी ये जो हमारे पास रिलेशन आया y is equal to x square upon 6, तो मैंने क्या करा, मैंने दोनों के स्लोप्स को इक्वेट कर दिया, तो स्लोप किसी ना किसी पॉइंट पर निकलता है, स्लोप जो है कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, किसी पॉइंट पर निकलेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो कर्व है और ये इस कर्व पर पड़ने वाला टेंजेंट है और नॉर्मल है, तो इसका जो ये पॉइंट है ना कैपिटल पी, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, इसको हम बोलेंगे कि अगर ये एक्स है तो इसका वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स, अगर ये एक्स है तो वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन सिक्स, ये क्लियर है। अब वो पूछ रहे हमसे कि आप इसका ये जो पॉइंट है यही बताना है x और x square upon 6, तो कैसे निकलेगा ये वाला जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, इस कर्व की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, 9y square is equal to x cube, तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इसको बोलो 1, 2, 3, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि 1 और 2 मैंने ये ले लिया था, शुरुआत वाली इक्वेशन को 3 ले लो और इसको 4 ले लो, पुट दिस वैल्यू ऑफ y, दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, दैट इज इक्वेशन ऑफ कर्व, चाहे नॉर्मल होता है चाहे टेंजेंट होता है, वो होता तो किसी ना किसी पॉइंट पर है ना, तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट आ गया y इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि y की ये वैल्यू होगी x तो x ही रहेगा, तो x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 6 ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा इसको इक्वेशन 3 में डाल दूंगा, तो 9 y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, अब क्या करेंगे 9 तो y क्या है x स्क्वायर अपॉन 6, y की वैल्यू है x स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो गया x की पावर 3, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 6 का स्क्वायर क्या है 36 इज इक्वल टू x की पावर 3, 9 1 का 9 9 4 का 36, अब क्या करेंगे याद रखना ये x की पावर 4 और ये x की पावर 3 है, कैंसिल आउट मत कर देना क्योंकि अननोन वेरिएबल्स हैं मुझे कैलकुलेट करने हैं, तो मैं इधर कर रहा हूं तो x स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 4 इन्होंने स्लोप ऑफ नॉर्मल प्लस 1 और माइनस 1 दोनों लिया, उनको नॉर्मल प्लस 1 और माइनस 1 दोनों लिए, अच्छा तो वो इन्होंने ये सोच कर दिया होगा कि जो इक्वल इंटरसेप्ट्स है हो सकता है कि ये लाइन ऐसे ना होकर ऐसे हो सेकंड क्वाड्रेंट पर, तो सेकंड क्वाड्रेंट पर लेंगे तो वो प्लस 1 आ जाएगा, तो x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस x की पावर 3 इज इक्वल टू 0, यहां से x की पावर 3 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में मेरे पास बचेगा x upon 4 minus 1 is equal to 0, तो either x cube is equal to 0 और x upon 4 minus 1 is equal to 0, x cube is equal to 0 का मतलब क्या हो गया x is equal to 0 और x upon 4 minus 1 is equal to 0, minus 1 उधर चला जाएगा तो plus 1 हो गया, implies that x की वैल्यू क्या हो गई 4, तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं या तो 0 या फिर 4, फिर अब ये कहेंगे put these values in equation number 4, put these values in equation 4, इसको equation 4 में डालेंगे तो x की वैल्यू अगर 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 का स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि y की वैल्यू भी 0 आ गई और x की वैल्यू अगर 4 डालेंगे 8 अपॉन 6 16 अपॉन 6 2 8 का 16 और 2 3 का 6 तो y is equal to 8 अपॉन 3, तो उन्होंने पॉइंट पूछा था तो हम कहेंगे पॉइंट कैन बी
जीरो कॉमा जीरो आंसर देखना, जीरो कॉमा जीरो और फोर कॉमा एट अपॉन थ्री आना ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि वो हमने किस तरह लिया, हमने वो ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से सही है। पॉइंट कैन बी, पॉइंट कैन बी जीरो कॉमा जीरो और फोर कॉमा एट अपॉन थ्री, उनका भी सही है आपका भी सही है। क्या है कि आप किसी भी क्वाड्रेंट में ले लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में ले लें, तो जो स्लोप है वो या तो प्लस वन आएगा या फिर माइनस वन, ठीक है ना, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में ले, तो इस वजह से उनका भी ठीक है अपना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए समझ में आ गया। तो जब भी कभी ऐसा हो ना कि वो आपसे पॉइंट पूछे तो ये याद रखना कि एक तो तरीका ये हो गया कि हमने स्लोप निकाल लिया, जैसे नॉर्मल था तो नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया, कैसे डिवाइड बाय dx का रेसिप्रोकल करा और नेगेटिव लगा दिया तो वो स्लोप निकल गया। दूसरा उन्होंने बोला है कि वो जब नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी, इट इज गेटिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों इक्वल होगा, जिसको मैंने a कॉमा a मान लिया था, इधर भी a और इधर भी a मान लिया था, तो उसकी हेल्प से हमने y2 - y1 upon x2 - x1 करके स्लोप निकाल लिया। दोनों स्लोप्स को इक्वल रखने पर जो वाई और एक्स में रिलेशन आएगा वो वाला पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर कर्व और नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखना कि जब भी कोई वैल्यू आती है ना वाई की या एक्स की, स्लोप को इक्वेट करने पर, चाहे वो टेंजेंट के स्लोप से आप इक्वेट करो चाहे नॉर्मल के स्लोप से इक्वेट करो, तो वो वाला पॉइंट आ जाता है जिस पॉइंट पर टेंजेंट है या जिस पॉइंट पर नॉर्मल है, वो वाला पॉइंट आता है, समझ गए ठीक है। और कौन सा बस और किसी को अश्वत और आकृति बता दीजिए, आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर, कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में बता देना, मेरा ना नेटवर्क अनस्टेबल चल रहा है, दो तीन दिन हो गए प्रॉब्लम है ये। ओके सर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 एक बार देख लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, क्वेश्चन नंबर 7 में द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b is y is equal to 4x minus 5, ठीक है। तो कोई एक कर्व है, कोई भी कर्व मान लो, कर्व जो ये रखा है वो है y square is equal to ax cube plus b, y square is equal to ax cube plus b, ये तो कर्व हो गया। चलिए इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर इस कर्व पर उन्होंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताई है, उन्होंने बताया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 इज एट 2, 3 ऑन दिस कर्व, इस कर्व पर y is equal to 4x minus 5, y is equal to 4x minus 5, तो जैसे y is equal to 4x minus 5 आ गया, तो ये equation आगे tangent की, तो tangent का slope क्या होगा? 4, क्योंकि tangent जो है वो तो एक straight line है, तो y is equal to mx plus c, तो मैं उससे compare करूँगा, इसको बोल दीजिए equation number 2, comparing it, comparing equation 2 with y is equal to mx plus c and is equal to 4, m kya hai? Slope of tangent, acha tangent ka slope nikalne ka, isko bol dijiye equation number 3, tangent ka slope nikalne ka ek tarika aur hai, curve de rakha hai na, to curve mein dy by dx nikalo
और जो dy by dx आ गए उसमें x और y की कुछ वैल्यू आएगी, वहां पर आप 2 और 3 डाल दीजिए, x की जगह 2 और y की जगह 3, ठीक है, तो वो आपका टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है, तो वहां से स्लोप आ रहा है 4, दोनों को बराबर रख देंगे, तो देखिएगा ये होगा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो y स्क्वायर का क्या हो गया, y और फिर dy by dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, ये एक्सटर्नल रहेगा और x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस b कांस्टेंट है तो b का तो डिफरेंशियल क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, यहाँ से dy by dx निकालो, तो dy by dx आ जाएगा 3ax square upon 2y, और ये जो dy by dx है ये मुझे कहाँ निकालना है, dy by dx को निकालना है at the point 2,3, 2,3 पर निकालना है dy by dx, तो ये हो गया 3 into x की जगह डालिए 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इनटू y की जगह डालिए 3, तो 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो गया, 8 2 से 8 2 कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आ गई 2a, और dy by dx की वैल्यू आ गई 2a, तो अब मैं क्या करूंगा, ये भी तो स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये भी स्लोप आया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4 इक्वेट 3 एंड 4, यहां से स्लोप की वैल्यू 4 है, यहां से स्लोप की वैल्यू 2a है, a is equal to 4, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, जब 2 y equals to under root कर सकते हैं क्या, 2 y करना जरूरी होगा, और under root कर सकते हैं मजी है, इसमें प्लस माइनस आ जाता है, इसे वैसे कोई वाली भी काम नहीं, हो सकता है उसकी वजह से आ रही हो, लेकिन अगर तुमने वो भी निकाली है ना तो वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, इस क्वेश्चन को करने के ना तीन मेथड है, एक तो ये है कि आपने सीधा y स्क्वायर मतलब सीधा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो 2y dy by dx हो गया, दूसरा तरीका अंडर रूट लेकर, तीसरा तरीका लॉग लेकर, ठीक है, हर तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दो भी वैल्यूज आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये टेंजेंट नॉर्मल में चलता है, ये टेंजेंट नॉर्मल में चलता है, वो आपका मेथड चेक करेंगे, इट इज जस्ट लाइक इंडेफिनिट इंटीग्रल कि वहां पर मेथड चेक करा जाता है, आंसर में चेक करा जाता है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट में वो देखेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन ठीक है या नहीं, आपने इंटीग्रेशन ठीक करा या नहीं करा, हो सकता है आप चार बच्चे बैठे हो क्लासरूम में और चारों के भी मेथड जो है वो अलग हो, तो उसी हिसाब से चारों का जो आंसर है वो अलग है, कोई कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा तो कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा, तो इंडेफिनिट का आंसर क्योंकि वो है ही इंडेफिनिट इंटीग्रल तो वो इंडेफिनिट आता है, मतलब अलग अलग आ सकता है, सकता है डेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेट का आंसर हमेशा सेम आएगा, तो उसी तरीके से टेंजेंट नॉर्मल में एक की जगह दो दो की वैल्यूज आ सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए एक की वैल्यू टू आगे बी की कैसे निकाले, b की वैल्यू टू आ गई, b की वैल्यू कैसे निकालें, देखिए हम ये कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है टेंजेंट, ये टेंजेंट कहां पर है, तुमको अब मैं पर एक बार इसकी फिगर बना देता हूं, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, मुझे नहीं पता कि ये कौन सा कर्व है, कर्व है इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें घुमाव आ रहा होगा, कहीं कर्व तो होगा, पैराबोला एलिप्स वगैरह मैंने नहीं पढ़ा कि ऐसी इक्वेशन क्या होती है, तो हमने वैसे ही कह दिया कि चलिए ये कुछ ऐसा सा कर्व है, बस ऐसा इतना बना दिया, और इस कर्व को बोल दिया हमने क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b, ये कर्व हो गया, और इस पर टेंजेंट, और टेंजेंट किसी पॉइंट पर होता है, जैसे कि नॉर्मल किसी पॉइंट पर होता है, ऐसे टेंजेंट भी किसी पॉइंट पर होता है, तो वो जो पॉइंट है तो पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर 2,3, तो आप ये देखिए ये जो 2,3 है, ये 2,3 जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि टेंजेंट भी इस पॉइंट से होकर गुजरेगा और ये कर्व भी इस पॉइंट से होकर गुजरेगा, यानी कि कर्व की इक्वेशन में 2,3 डालेंगे तो भी उसको भी सेटिस्फाई करेगा, और टेंजेंट की इक्वेशन में डालोगे तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, अच्छा और जरा देखिएगा समझ रहे हैं, वेरीफाई करके देख सकते हो,
टू और थ्री डाल दो इसमें, ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है ना, तो एक्स की वैल्यू टू है, टू फोर टू सा एट माइनस फाइव क्या है थ्री, थ्री आ गया, वाई की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू थ्री दे रखी है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, उसको भी करेगा, तो हम ये कहेंगे दिस वैल्यू टू का मान थ्री, दिस वैल्यू टू का मान थ्री, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में डालिए इसको, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई, वाई क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ए इंटू टू का क्यूब प्लस बी, अब थ्री का स्क्वायर क्या नाइन, अच्छा ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो टू इंटू टू का क्यूब क्या ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्सटीन, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस सेवन, है ना, पर तुम्हारी कितनी चार वैल्यूज आ रही है, कोई बात नहीं, दो वैल्यू बिल्कुल सटीक है, जब कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ये आपकी सब 25 माइनस 7 और माइनस 2, अच्छा, पता है क्या होता है इन वैल्यूज को, आंसर 2 और माइनस 7, हमने कहां पे इसको पुट करूं कि वेरीफाई, अच्छा कहां पर इसको पुट करें ताकि ये वेरीफाई हो जाए, आप यहां पर एक तो इसको कर्व की इक्वेशन में पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, ठीक है, तो कर्व जो है क्योंकि ये कर्व 2.3 से पास हो रहा है, तो x की जगह 2 और y की जगह 3 डालोगे, और x की जगह 2 डालो, y की जगह 3 डालो, और फिर उसके बाद में a और b की वैल्यू जो जो है a और b की वो वैल्यू डाल कर देखो, देखो कि किसके लिए सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, समझ गए, तो क्योंकि सिर्फ इसी में डालना है, कर्व वाले में डालना है, क्योंकि कर्व ही एक अकेला ऐसा है जो कि 2.3 से भी पास हो रहा है, और कर्व में ही a और b आ रहा है, उसमें नहीं है, कहो तो मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, और नहीं तो फिर पहले खुद ट्राई करोगे टेंजेंट नॉर्मल, खुद ट्राई करेंगे पहले, उससे पहले का बता दो मेरे को, कहीं कोई डाउट हो, अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैक्सिमम नंबर करा दूं सर, मैक्सिमम मिनिमम में दो टेस्ट होते हैं हमारे पास, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हो गया आकृति शाश्वत बताइए, बता दोगे हो गया कंप्लीट, हाँ सर नोट कर लिया, बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी वैल्यू को, कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है, हम उस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं, वो इसका बेसिक जो है बेसिक कंटेक्स्ट ये है कि अगर मान लीजिए हमें ये कहा जाता है कि कोई हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए सर्कल है, चलिए मोर करेक्टली हमारे पास एक स्फीयर है, और हमसे ये कह दिया जाए कि आप स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर बना दो, तो सिलेंडर में तीन चीजें हो सकती हैं, एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम उसका, ठीक है, इन तीनों के अलावा मैं और कुछ नहीं निकालता, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में वो ये कहेंगे कि एक स्फीयर के अंदर आपने एक सिलेंडर डाल दिया, सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, सच दैट इट्स वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, क्या अलग 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 बना बना कर हिट एंड ट्रायल से देखते रहेंगे, तो जो डायरेक्ट मेथड है वो तो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप अलग अलग वैल्यूज लोगे, अच्छा चलो थोड़ा सा रेडियस बढ़ा देते हैं, अच्छा रेडियस बढ़ा दिया तो हाइट कम हो गई,
रेडियस बढ़ाने पर हाइट कम हो गई, चलो वॉल्यूम निकाल कर देखते हैं, कुछ वैल्यू आई वॉल्यूम की। फिर हमने कहा कि चलो रेडियस और बढ़ा देते हैं, तो हाइट और कम हो गई, ठीक, तो फिर कुछ और वैल्यू आई, और हाइट डिस्टर्ब होगी, क्योंकि रेडियस हम बढ़ाएंगे तो ये फैल जाएगा, ये फैलेगा, ये फैलेगा तो बाहर तो नहीं खींच सकता स्पीयर से, तो ये हाइट कम आ गई। तो ज्यादातर केसेस में अगर मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को तो फिर मैं रेडियस ही बढ़ाता हूँ, क्योंकि वो आर स्क्वायर होता है, तो हम ये कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो रेडियस का हो रहा है स्क्वायर, जबकि हाइट सिर्फ हाइट ही मल्टीप्लाई होगी वहां पर। तो ज्यादातर केसेस में हम आर बढ़ाते हैं, तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है जो हुआ करता था बिफोर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से पहले की बात है, इस तरीके से हुआ करता था। लेकिन फिर डिफरेंशिएशन से एक ऐसा आसान तरीका निकाला जिसमें एक प्रॉपर स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं, तीन चार स्टेप्स हैं मैक्सिमम और मिनिमम के, तो हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है। अगर कोई भी सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब करा जाए या कोन इंस्क्राइब करा जाए या रेक्टेंगल या क्यूबॉइड इंस्क्राइब करा जाए, तो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, मिनिमम वॉल्यूम क्या हो सकता है, तो वो निकालने का तरीका डिफरेंशिएशन में है, बड़ा आसान तरीका है। तो उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कई जगह फेल हो जाता है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ज्यादा कंटिन्यूनेस आपसे ना कहा जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, तो आपको सेकंड यूज करना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसमें कुछ स्टेप्स हैं, पहला स्टेप क्या है, जो भी फंक्शन दे रखा है जिस भी चीज को मुझे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो मान लीजिए मुझे वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा। वॉल्यूम में क्या आएगा, अगर मान लो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, या तो रेडियस या फिर हाइट, दो ही तो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में कर देंगे, मतलब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करके बताऊंगा, बड़ा आसान है। जिसे मैक्सिमाइज करना होता है उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आएगा उसको जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखने पर फिर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वैल्यू निकालने के बाद फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो निकालेंगे। वो निकालने के बाद में जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखने पर जो वैल्यू मुझे मिली थी उसको डबल डेरिवेटिव में रख देंगे। रखने के बाद डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा, ये होता है। ये इतना आपको करके दिखाना, और करने के बाद में जिस भी पॉइंट पर वो मैक्सिमा आ जाए उस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में डालकर आप बता देंगे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, अभी मैं स्टेप बाई स्टेप नोट करवा दूंगा। और जब आपसे कहा जाए, आप ये समझ लीजिएगा कि 1% या 2% केसेस में ही ऐसा होता है, जबकि हुआ नहीं है, आप इसमें क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो कभी भी उन्होंने पर्टिकुलरली नहीं बोला कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, वो कहते ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहते, वो तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, उस क्वेश्चन को देखकर आपको, अरे ये तो मैक्सिमम अनुमान है, वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किसमें होते हैं, कंफ्यूज होते हैं इसमें जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, वो ये नहीं समझ पाते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्वेश्चन है या मैक्सिमम मिनिमम का है, मुझे वो डिफरेंशिएशन इस बार करना ही नहीं है, वो डिफरेंस मेरे को देखना ही नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हट गया है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें भी वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया या कुछ भी के उसका मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम शब्द जहां लिखा दिखाई देगा या मिनिमम या लार्जेस्ट या लीस्ट, तो वहां आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा ही लगेगा। और मैक्सिमा एंड मिनिमा में पर्टिकुलरली बोलते नहीं है वो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक या दो बार कभी बोला है, वो भी 10-12 साल पहले, लेकिन अब तो नहीं बोल रहे, पिछले 10-12 साल से कोई ट्रेंड नहीं है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कराएं, क्योंकि वो आसान होता है और वो चार नंबर से ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन नहीं होता। तो इस वजह से जो चलता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको डिटरमिनेंट्स की अगर बात करूँ, तो 2/2 का आता ही नहीं है, क्योंकि आसान है, वो 3/3 का देंगे, तो इस वजह से हम 3/3 की ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि 2/2 बहुत आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम एंड मिनिमम इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो करूंगा,
मुझसे ही नहीं है एक्चुअली इसमें कुछ कमियां भी हैं क्योंकि इसमें ना एक पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी आता है इसमें बहुत आता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन मतलब एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर मैं कह ही नहीं सकता कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है उस केस में फिर मुझे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर आना पड़ता है तो इसीलिए ये हो गया कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो क्योंकि उससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं और अपने वाले तो हो जाते हैं वो सब पर एप्लीकेबल है इस वजह से सेकंड डेरिवेटिव ज्यादा फेल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव में हम ये करेंगे इफ देयर इज अ फंक्शन f(x) बस तीन पॉइंट्स लिखवाऊंगा कोई क्वेश्चन आएगा तो करवा दूंगा इसका नहीं तो नहीं करवाऊंगा इफ देयर इज अ फंक्शन f(x) सर वीडियो ब्लर हो रही है बेटा हो जाएगी नेटवर्क की थोड़ा सा है हो जाएगा थोड़ी देर में ठीक इधर रिकॉर्डिंग भी चल रही है रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा जहां कहीं भी अटकोगे देख लेना एक बार if there is a function f(x) then firstly differentiated and then put f(x) is equal to 0 अगर कोई फंक्शन f(x) है उसको डिफरेंशिएट करोगे यानी कि f(x) आ गया और उसको 0 के बराबर रखो एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू c ब्रैकेट में लिख रहा हूं c x की कोई वैल्यू आएगी ना कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो उसको कांस्टेंट को c मान लो तो इसके क्वेश्चन केस में आता ना मतलब केस आता है इसके अंदर में होता है कि ये वाली क्वेश्चन के केस में आता है अच्छा अच्छा ये जो बड़े-बड़े प्रोबेबिलिटी वाले भी केस स्टडी के बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और इसके केस स्टडी अरे वो केस स्टडी सिर्फ देखने में डरा भी लगती है क्योंकि होती नहीं प्रोबेबिलिटी बहुत ही होती है केस स्टडी में एक एक पार्ट पर पूछ के चले जाते हैं पहले लगा था केस निकालो वही अच्छा तो फिर तो बहुत आता है चलिए अब हम ये कहते हैं इसमें तीन पॉइंट्स लिखूंगा इफ f' x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इफ f' x चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस root c then c is a point of local maxima that c is a point of local maxima second hai if f' x changes sign from negative to positive as x increases to c then c is a point of local minima then c is a point of local minima third hai if f(x) does not change if f(x) does not change its sign when x increases to c then c
is a point of inflection. When C is a point of inflection. यहाँ पर ऐसा होता है कि हमने f dash x को जीरो के बराबर रखकर कोई एक वैल्यू निकाल दी. अब वो वैल्यू मान लीजिए c है, इधर माइनस इंफिनिटी इधर प्लस इंफिनिटी, बीच में एक वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई c. तो अब मैं ये देखूंगा कि एक वैल्यू तो मैं निकालूंगा x की, c से पहले की वैल्यू देखूंगा. मान लो कि x इज इक्वल टू c जो है, ये c हमारा 4 है, मान लीजिए 4 है, तो मैंने एक को 4 से पहले वाली वैल्यू ले ली, x इज इक्वल टू 3 ले लिया, और एक फोर के बाद वाली वैल्यू ले ली, मतलब x इज इक्वल टू 5 ले लिया. f डैश x जो भी आएगा f डैश x में, x की वैल्यू एक बार मैं 3 लिख लूंगा. तो 3 लिखने पर मान लीजिए, वैल्यू 3 रखने पर मान लीजिए हमारे पास रिजल्ट आता है पॉजिटिव, जो भी वैल्यू आती है, मान लो वो प्लस का 8 आ गया, ठीक है. फिर x इज इक्वल टू 5 यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू रहती, तो तब मान लीजिए आ जाता है माइनस का 3, कुछ भी माइनस का 3 आ जाता है. तो पहले पॉजिटिव वैल्यू आई, फिर नेगेटिव वैल्यू आई. तो जब हमें x को पास थ्रू करने पर, जब x को यानी कि c को, c है ये x = 4 मतलब c, जब c को पास थ्रू करने पर वैल्यू हमारी चेंज होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन c इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है. जस्ट इसका उल्टा देख लो कि अगर शुरुआत में मतलब पहले वाली वैल्यू देने पर वैल्यू नेगेटिव आती है और बाद वाली वैल्यू रखने पर पॉजिटिव आती है, तो अगर वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. और अगर पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव है, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा, पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो देन इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है. तो इन्फ्लेक्शन वाले क्वेश्चंस जो है, जैसे ही कोई इन्फ्लेक्शन वाला क्वेश्चन अटकता है, तो फिर हम इसको चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से. तो इट्स बेटर कि आप हर जगह सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगा लो. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं. वैसे आसान तो ज्यादा ये है, पर वो जो है वो श्योर शॉट गारंटी है कि उसको यूज करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाए, ठीक है. चलिए आगे. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में लिखवा नहीं रहा हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं सीधा क्वेश्चन करवा रहा हूँ. उसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स देखते हैं. आप आ जाइए पेज नंबर 184 पर. 4 मार्क्स के क्वेश्चन देख लो, पिछले 10 साल में 4 मार्क्स सिर्फ 2 आए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हैं 4 मार्क्स में. बाकी इसमें केस स्टडी दोनों इंक्लूड नहीं करा, कोई बाकी वो है क्या कि जब तक ये आई थी तब तक सीबीएसई ने सैंपल पेपर इशू नहीं करा, इस वजह से नहीं भाई. पहले सैंपल पेपर नहीं आया, कुछ कमियां है उसमें, कुछ कमियां जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन इन्हें डालने नहीं चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले डालने नहीं चाहिए ना, तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी में निकाली होगी, पर ठीक है, हमें पता है क्या करना है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 184. An open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. An open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet. Square base का मतलब क्या है? कि उसकी जो length और breadth है, वो same है ना? लेकिन height अलग है. बोल दीजिए x और इसको भी बोल दीजिए x, दोनों x हैं. स्क्वायर बेस बनाया है हमने,
दो रेक्टेंगल बना के उनकी लाइन जोड़ दिया वो हर तरीके से रेक्टेंगल भी बनाए। हां अभी जैसा भी बनते हैं चलो ये एक्स हो गया ये एक्स हो गया और यहां पर ये हो गई हाइट वर्टिकल साइज है उनकी हाइट कितनी है नहीं पता अच्छा एच मान लिया उसको फिर ये बोल रहे हैं शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट यानी कि मुझे ये समझ में आ गया लीस्ट का मतलब क्या है कि मिनिमम होना चाहिए उससे कम कुछ नहीं यानी कि मुझे कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो पहले कॉस्ट निकालेंगे कॉस्ट का एक फंक्शन बना लेंगे शो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट व्हेन डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ ठीक है cost of material will be least when depth of the tank is half of its width depth kya hai h ye width ka aadha ho jayega width kya hai x और length और width dono x hai h is equal to x by 2 होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि h is equal to x by 2 होगा तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो हमारी मिनिमम होगी लीस्ट होगी तो कैसे करेंगे अच्छा अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो कंडीशन दे रखी होगी ताकि मैं कॉस्ट फंक्शन निकालूं इन्होंने बोला है इफ द ये चीज प्रूव करनी है ये प्रूव करना है कि h is equal to x by 2 आएगा तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो मिनिमम हो गया ठीक है अच्छा कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम कब होगा जब सरफेस एरिया जब टोटल सरफेस कम होगा बट टोटल सरफेस एरिया हम इसको मेटल से बना रहे हैं ठीक अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखना ओपन है ऊपर से ओपन है उन्होंने दे रखा है ओपन है विद अ स्क्वायर बेस पांच साइड्स हैं जिसमें जो चार साइड्स हैं वो तो निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया इसका क्यूबॉइड का और नीचे है स्क्वायर ठीक है तो नीचे एरिया जितना ज्यादा एरिया होगा मैटर उतना ही ज्यादा लगेगा यानी कि कॉस्ट उतनी ज्यादा और जितना कम एरिया होगा मैटर उतना ही कम लगेगा कोई और तरीका तो नहीं हो सकता ना भाई अगर मैटर ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा मैटर कम कॉस्ट ठीक है इफ द कॉस्ट इज टू बी बॉर्न बाय नियर बाय सेटल्ड लोअर वाटर विल बी प्रोवाइडेड अच्छा है वेरी गुड क्वेश्चन समझ गए उसको कॉस्ट को मिनिमाइज करने की बात वो जो कह रहे हैं कॉस्ट को मिनिमाइज इस वजह से कर रहा है कि कॉस्ट जितनी कम होगी तो पैसा जितना बनेगा ना उसको टैंक को बनाने में तो वो लोअर इनकम फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस पैसे ये चीज है अच्छा अब देखिएगा मैं क्या करूंगा कि कॉस्ट विल बी मिनिमम सरफेस एरिया को बोल दीजिए एस ये क्या हो जाएगा आप ये देखिए ये क्या है एक्स इंटू एच इधर का एरिया एक्स इंटू एच ये क्या है एक्स इंटू एच इधर का एरिया तो वही ठीक ऊपर कुछ नहीं होगा अच्छा और आगे वाला क्या है एक्स इंटू एच पीछे वाला क्या है ये भी एक्स इंटू एच तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा एक एरिया कितना आ रहा है एक साइड का एक्स इंटू एच तो चार साइड का कितना हो जाएगा फोर इंटू एक्स एच 4 into x h plus x square ये है अच्छा तो ये मतलब ओपन टेंपरेचर स्क्वायर बेस ऑन वर्टिकल साइड टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर मेटल शीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर गिवन क्वांटिटी का मतलब क्या है वॉल्यूम गिवन given so as to hold a given quantity of water likha hai na given quantity of water to volume given hai yani ki jo volume hai v wo constant lenge yahan par theek hai to hum ye kahenge given given hai volume abhi volume kya ho gaya v is equal to kya hoga zara volume bataiye iska kitna ho jayega to void ka volume kya hota hai chahe open ho अरे यार एनवी टू एच क्यूबॉइड का ठीक है उसमें ऊपर से वो खुला है या बंद है उसका कोई लेना देना नहीं होता ठीक है उसके अंदर पूरा पानी भरा जा रहा है तो एनवी टू एच हो जाता
एन विल बी एच. अब बी कितना हो गया, एल क्या है, लेंथ एक्स है, ब्रेथ भी एक्स है और हाइट है एच. तो यहां से मैं एच को निकालूंगा एक्स के टर्म्स में. एक काम करते हैं, x स्क्वायर को निकालते हैं h की टर्म्स में, है ना, वो ज्यादा आसान रहेगा. हमने क्या करा, x स्क्वायर इनटू h इज इक्वल टू v, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू v अपॉन h. ये कर दिया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1. सही है. तो कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन जरूर होती है जिसकी हेल्प से मैं एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं उसको. तो आप ये देखिएगा कि मुझे इसको मुझे मिनिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज यानी कि इसको डिफरेंशिएट करूंगा, लेकिन दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, एक एक्स और एच. अब एक ही वेरिएबल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं डाल दूंगा वी अपॉन एच. ठीक है, समझ गए ना. क्या तीसरा वेरिएबल तो होता ही नहीं है. अब हमेशा देखना कि कोई ना कोई चीज गिवन होगी तो उसके बेस पर हमारा वेरिएबल एक में ही कन्वर्ट हो जाएगा. और दो वेरिएबल के लिए ना डबल डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम पार्शियल डिफरेंशियल बोलते हैं. तो वो सिलेबस में नहीं है, वो ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली चीज. पढ़ो गया ग्रेजुएशन में, फिर एक को एज इट इज छोड़ना, दूसरे को डिफरेंशिएट करना. जो आप dy / dx लिखते हो ना, तो जब ग्रेजुएशन में जो भी बच्चे मैथ्स लेंगे तो आप वहां पर देखोगे dy / dx, dy / dx. ये पहले से बता दूं, कभी वहां पर ग्रेजुएशन में फोर्स दे दो या 12th वाले टीचर ने तो आपको बेवकूफ बना दिया. ठीक है, तो ये dy / dx जो आप कर रहे हो ये है कंप्लीट डिफरेंशिएशन. वहां पर दो क्या तीन तीन वेरिएबल को साथ साथ डिफरेंशिएट करोगे, तो वहां पर होता है डेल वाई वाई डेल एक्स, उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं. शुरुआत ही इस चीज से. मैट्रिसेस भी 4x4 और 5x5 ऑर्डर की करोगे, लेकिन लेकिन टेंशन नहीं है, कैलकुलेटर मिल जाता है. कैलकुलेटर मिलता है मैथ्स ऑनर्स में, आप कहीं भी जाइए. इंजीनियरिंग में अगर आप जा रहे हैं, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स हो, तो पहले और सेकंड सेमेस्टर में कोई भी आप स्ट्रीम ले लो, मैकेनिकल और कुछ, तो फर्स्ट ईयर तो सेम रहेगा. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स टू, ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होगा ही. सबका सिलेबस बता रहा हूँ, मुझे अपना यूपीटीयू का पता है, क्योंकि यूपीटीयू का और आईआईटी का सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम है. एक एक चीज को वहीं से कॉपी मार के एज इट इज वही सिलेबस छाप देते हैं, वही बुक्स सारी की सारी. और बस एक चीज है कि वहां पर मार्क्स की फाइट नहीं रहती. मार्क्स की फाइट आपकी यही खत्म है, 12th क्लास तक खत्म है. उसके बाद बस ये है कि आप पास हो, पास होने के बाद बस इतना है कि जॉब पाना है, वहां पे नौकरी करते हैं. हां, बस 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 वो अच्छे कॉलेज तक की है, उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं. मतलब 65-70% मतलब ये है कि हाँ ठीक है. और जो खासतौर पर मुझे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का पता, बाकी का मुझे नहीं पता. तो जो 65-70% वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करा जाता है, वो ज़्यादा प्रेफर करा जाता है कि ये वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं. क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर किताबों में घुसने वाला बच्चा नहीं चाहिए. उनको है, पता है कि 65-70% वाला जो बच्चा है ये शायद एक या दो रात में पढ़ के पास हो गया है, तो हमें वही चाहिए जो प्रेशर में परफॉर्म कर सके. तो ज़्यादातर कंपनी से ये मैं टेंडेंसी बता रहा हूँ, केवल टेंडेंसी बता रहा हूँ कि प्रेशर में परफॉर्म करने वाले बच्चे. हाँ, ऐसे ही वो सीधा सीधा एक वो उन्होंने कर दिया. जैसे चार महीने जैसे मान लो पांच महीने कोई डेट है, मेरा भाई तो वैसे में आ गया. हां, ये सबके साथ है, ये सबके साथ हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है. मेरे साथ भी ये चल रहा है कि अब 11th गायब है, 11th तो गायब है, 11th वाले आ गए. पर बोल के तो वही वही रहेगा. चलिए देखें फिर इसको. जैसे x स्क्वायर की वैल्यू v अपॉन h है, इसको यहाँ पर डालो, s कितना हो गया, इसको लिखो 4, x भी है यहाँ पर और x स्क्वायर भी है, तो फिर वो अंडर रूट वाला केस आ जाएगा. आप यहाँ पर x निकालो, x निकाल लेते हैं, x हो जाएगा v अपॉन x स्क्वायर.
एच हो जाएगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है। यहाँ पर लिखिए बी अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स, और एच की जगह आ जाएगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स से एक एक्स कैंसिल आउट हो गया फिर इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप्स हैं इसके, कि आपने जैसे ही जिसको डिफरेंशिएट करा, जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जीरो के बराबर बनाना है, तो पुट डीएस बाय डीएक्स इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस फोर डी अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू फोर बी, टू वन का टू दूसरा फोर, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू बी हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई टू बी की पावर वन बाई थ्री, ये एक्स की वैल्यू हो गई टू बी की होल पावर वन अपॉन थ्री, ठीक है। जब हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई तो ये पहला स्टेप हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर वन बोला था इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर टू, फिर निकालिए डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा ना हो बी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर एस बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा फोर बी, तो एस दिख रहेगा कॉन्स्टेंट है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है एक्स की पावर माइनस टू, ठीक है, माइनस साइन, तो माइनस साइन में यहाँ लगाओ एक्स की पावर माइनस टू क्या हो जाएगा माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, और प्लस का टू एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस का टू, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर root of 8 plus 8b upon x cube plus 2। अब आप ये देखिएगा कि ये जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखकर जो x की वैल्यू निकाली है ना, इस वैल्यू को मुझे यहाँ डाल देना है, x is equal to 2b की पावर 1 by 3, इसका मतलब क्या है x cube is equal to 2b, तो क्या करें x cube की जगह 2b डाल दो, 8b upon 2b, b से निकल गया root of 8 प्लस टू, फोर प्लस टू कितना आ गया सिक्स, विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू टू बी की पावर वन बाई थ्री इज द पॉइंट ऑफ क्या मिनिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आता है तो वो मिनिमा में होता है, ऐसा क्योंकि मिनिमा हो गया। ये करने के बाद में फिर मुझे ये प्रूव करना है कि कॉस्ट ऑफ मटीरियल मिनिमम कब होगा, अगर एच इज इक्वल टू एक्स बाई टू होगा, तो h और x में रिलेशन है ये, तो हम करेंगे इसमें x की वैल्यू ये है ना v की टर्म्स में आएगी, तो x इक्वेशन नंबर टू में डालेंगे, तो इक्वेशन नंबर टू में ही लेकिन उसको और एक्स की वैल्यू डालना है पर टू की पावर वन बाई थ्री रन कर देंगे, एच इज इक्वल टू एक्स बाई टू कैसे आता है,
यहाँ पर आप ऊपर और नीचे x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? मुझे प्रूफ यही करना है ना, x is equal to x by 2, ठीक? वो प्रूफ कब होगा? x की वैल्यू तो यही है, x की इस वैल्यू पर मिनिमा आ रहा है, मिनिमा यानी कि लीस्ट आ रहा है हमारा सरफेस एरिया। तो मुझे x क्यूब चाहिए, क्योंकि x क्यूब को मैं सीधा सीधा 2 भी लिखूंगा। तो ये क्या हो गया, एच इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, फिर एच इज इक्वल टू वी एक्स और एक्स क्यूब की जगह मैं लिखूंगा 2 भी, इसे भी कैंसिल आउट हो गया, एच इज इक्वल टू एक्स बाई टू, ये प्रूव हो गया, समझ गए? ठीक है, इसके क्वेश्चन अभी और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप क्या करना कि आप इससे पहले जो टेंजेंट प्रॉब्लम है उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है वो एक बार कंप्लीट कर, वो कंप्लीट कर लो, मैक्सिमम मिनिमम इसका लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, फिर इंटीग्रेशन करें, ठीक है? तो कर लीजिए इसको सीरियसली सब लोग, टाइम तो ठीक है ना 2:30, ठीक है? हाँ सर, ये वाला टाइम डेली नहीं, मतलब वही ऑल्टरनेट बेस पर नहीं, हाँ वही मतलब डेली, हाँ बोला तो था लास्ट टाइम, क्या जी लास्ट टाइम।